तो गाइस इधर बैठी हो चुकी है तैयार, ये कर रही साफ कर है दिया क्या तुमने? जो पिंस आई थी। तो कर आज इतनी ऐसे ड्रेस क्यों डाल ली है तूने? अच्छा शूटिंग चल रही है। मेरा एक्चुअली रोक दे बीच में, मेरा एक्चुअली कोलैबोरेशन चल रहा है, तो गाइस मम्मी बीच में कैमरा लेके आ गई है। इधर मेरी सेकंड कैमरामैन को दिखाइए जरा, अच्छा अपनी बहन की ड्रेस पहन के, वाह। देखो बनता है ना, हमारा साइज और सेम ये है तो हम चुटिया फायदा उठा लेते हैं। चुटिया तो ये गाय जो मैंने चुटिया बोला ना तो ये हंस रही बहुत है। चीप, ये जो चुटिया ना गाई आज मैंने पहली बार बनाई है, तो बताना कैसी लगती है। जिसको झाड़ू लगवानी हो लगवा लेना गाइस। तो गाय ये पी ये रबड़ आई है टुटड़ सी, ये भी लगा ले। ये फ्री आया था, मैंने इसको पहले ही यूज कर लिया। अब मेरा लुक कैसा लग रहा है फ्रेंड्स वो बताना, आज थोड़ा डिफरेंट लुक लिया पिन है तो मैंने। लगा, चलो लगाते हैं जी, लगाते हैं, ले लिया ना आपने? तो ये लगा ली इसने पिन, तीन पिन लगाई है, अभी इतनी सारी और लगानी है इसने। सारी इकट्ठी लगा लूं क्या? हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? सो आज का ब्लॉग है ना जो शुरू हो गया है, और आज मैं ना पूरी रेडी हूँ। ये आपने अभी जो है मम्मा के साथ देखा होगा इस क्लिप में, एक्चुअली मैंने कुछ कोलैबोरेशन शूट करना था, वीडियोस देना था ब्रांड को, तो इस वजह से मुझे सुबह सुबह रेडी होना पड़ा, और रेडी होकर मैंने कुछ वीडियोज शूट करी हैं। और उसके साथ आज मेरा लुक भी थोड़ा डिफरेंट है, बताना मुझे कमेंट करके ये चुटिया कैसी लग रही है, ये भी आपने देखी होगी। तो बस रेडी तो मैं हुई ही, बस अभी ब्रेकफास्ट करना है। रेमेडी भी शूट कर ली मैंने, इतनी मस्त वाली रेमेडी बनाई है ना गाइज, आपको मजा ही आ जाएगा। मतलब कि टमेटो से आप फेशियल कर सकते हो घर पे इतना इजीली, 15 से 20 मिनट के अंदर इतना मस्त वाला फेशियल हो जाएगा, तो मजा ही आ गया। और आप जरूर उसको फॉलो करना, इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ मेंशन है, जल्दी से जाके मुझे फॉलो कर लो। इतनी सारी रेमेडीज है ना वहाँ पे, आप मजा ही, मतलब आपको हर चीज की रेमेडी मिल जाएगी। कोई भी इशू हो, कुछ भी स्किन का इशू हो, नॉर्मल आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपको वहाँ पे रेमेडी मिल जाएगी। तो चलो फिर चेंज करती हूँ, ऐसे तो स्टोर नहीं जा सकती, चेंज करती हूँ, फिर मिलती हूँ ब्रेकफास्ट पे। तो भाई मैं बनाऊंगी अप्पे, तो एक कटोरी मैंने सूजी ले ली है, और इसमें डाल दूंगी मैं आधी कटोरी, पौना कटोरी मैं इसमें दही डाल दूंगी। इससे फर्मेंट करना पड़ता है ना, तो पहले सूजी भिगो देती हूँ, फिर इतने सूजी भिगेगी इतने मैं सब्जियाँ वगैरह काट लूँगी। तो जितनी देर आप इसको दही और सूजी को मिक्स करके रखेंगे, उतने आपके अप्पे सॉफ्ट और बढ़िया बनेंगे। तो ये मैंने पौना कटोरी दही ले ली है, और ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और ये अप्पे क्यों बना रही हूँ, अभी बनाए थे मैंने, बेटी को बहुत पसंद आए थे, तो ऑर्डर आया कि मुझे अप्पे दोबारा से खाने हैं। मैं कहा चल तू जितना रहेगी ना उतना तेरे को डेली अप्पे ही बना के खिलाऊंगी, अप्पे वर्गी करके भेजूंगी तेरे को मैं। बस इसमें मैं इसको मिक्स कर देती हूँ, थोड़ा सा डालती हूँ पानी, और इतने ये भीगती है, फिर मैं सब्जियाँ काट लेती हूँ, फिर आगे का प्रोसेस जो भी होगा मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने दही भी डाल ली थी और थोड़ा सा डाला है पानी, अभी आपको देखो कितनी पतली दिख रही होगी, तो अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगी, आधे पौने घंटे तक इसे भिगो के रखूंगी, और देखना कितनी गाढ़ी हो जाएगी। और इसे मैं ढक देती हूँ, करते हैं सब्जियों को कट। तो गाइस सूजी को मैंने फर्मेंट करके रख दिया, तो देखो बढ़िया से, और उस टाइम कितनी पतली लग रही थी, अब देखो कितना गाढ़ा पेस्ट हो गया। अब डाल देते हैं इसमें सब्जियाँ, सब्जियाँ आपकी जो मन करे वही डालें, मेरे पास जो घर में रखी थी मैंने वो डाल दी है, टमाटर प्याज शिमला मिर्च हरी मिर्च और ये फूल गोभी, आप इसमें पत्ता गोभी गाजर जो आपका मन करे, जो आपके बच्चे नहीं खाते इसमें डाल के आप उन्हें खिला सकते हैं। तो ये सारी डाल दी मैंने इसमें सब्जियां, सब्जियों का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। और डाल देंगे कुछ बेसिक से मसाले, और थोड़ा सा डालूंगी मैं ये मीठा सोडा बेकिंग पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि दही डाली हुई है मैंने इसमें। और डाल दूंगी मैं इसमें ये चाट मसाला, ये इसमें जीरा सब कुछ मैंने ना इसको पीस के रखा हुआ है, और रायते वगैरह के लिए, तो ये भी मैं डाल दूंगी टेस्ट के लिए। अब डालूंगी थोड़ी सी मैं इसमें काली मिर्च पीसी हुई, थोड़ा चटपटा लगे ताकि फीका फीका ना लगे। अब डालूंगी मैं इसमें थोड़ा सा सिंपल वाला नमक, और डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये घर का पिसा हुआ। बेटी जब से आई ना कह रही इतना ग्रीन कैसे है आपका, इतना ग्रीन कैसे है गाइस, इसलिए मार्केट काम लाते हैं, पता नहीं क्या क्या उसमें डला होता है, वो कलर मतलब फीका फीका होता है। और ये है घर का पिसा हुआ एकदम ओरिजिनल कलर है, ये ला के मैं इसे सुखा के घर में ही पीस लेती हूँ, इसलिए ये ऐसा। तो इसे कर लेती हूँ मैं अच्छे से मिक्स, और पानी की देखती हूँ थोड़ा डलेगा तो मैं इसमें डालूंगी, एक बार इसे मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि सब्जियाँ भी ना सारा पानी छोड़ती हूँ, तो मैं कर लेती हूँ इसे अच्छे से मिक्स, फिर बनाते हैं अप्पे।
तो गाइस जब पे हमारे बन गए हैं, आप कहेंगे रोज रोज दिखाती है, तो मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं बनाते हुए ना। तो देखो कितना मजा आता है इन्हें बनाते हुए, और खाने में तो उससे भी ज्यादा आता है। तो देखो बढ़िया से कैसे घूम रहे हैं, ठीक है हमारे लग गए अंडे। जोर क्लचर आ गया आज गाइस, मेरे फिर से कोलैबोरेशन में नेक्स्ट प्रोडक्ट आ गया है। ये मेटालिक शेड मैंने आपको बोला था ना, वैसे इन्होंने डिफरेंट आर्टिकल भेज दिया। मैंने बटरफ्लाई शेप ऑर्डर की थी, इन्होंने बाय मिस्टेक शायद दूसरा भेज दिया, पर कलर्स बहुत अच्छे हैं और साथ में इनका एक फ्री गिफ्ट भी आया है, टिक टैक पेन्स आई है ब्लैक। okay. ये तो हमेशा यूज हो जाती है, एक मैं लगा के ट्राई कर रही हूँ। और बेटी से पूछते हैं खाना कैसा लगा। हाँ जी सुनाइए, कुछ तड़कता बड़कता आग लगा सुनाओ। तो गाइस खाना हमने खा लिया, अब खाएंगे हम आइसक्रीम को नेटो। ये लो एक एक सबको, तो खाइए और बेटी खाएगी, पापा और पापा तेरे खाएंगे पूरी ब्रिक। चलो खाओ पूरी खाओ, सारी थोड़ा खाई जाएगी। आज के खाने में आज हमने बनाए हैं राइस, जीरा राइस, इधर ये मिक्स वेज, और इधर है माँ छोले की दाल, इसके लिए तेरी फेवरेट, ठीक है। और इधर है सैलड भी, इसी ने काटी है, तेरे को आती है सैलड काटने में? यूके में काटी है कभी? मैं तो तेरे पे कुछ वो कर नहीं रही कि तेरे को कुछ आता है करना। आपको मैं पे कॉन्फिडेंस ही नहीं। तो ये खाना हमारा रेडी है, बस अब खाते हैं, है ना मैं?